नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक का दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। सातवीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। 29 फरवरी का दिन आपके लिए कुछ चैलेंजेस को लेकर के आएगा, जब जीवन में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इन संघर्षों से भागने की कोशिश मत करिएगा, इनका सामना करने की कोशिश करिएगा। जितना ज़्यादा आप चुनौतियों के सामने डटकर खड़े होंगे, उतनी ज़्यादा चुनौतियाँ आपके समक्ष छोटी होती चली जाएंगी। 1 मार्च के दिन आपको एक सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है अथवा कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जिससे आपको ये इंडिकेशन मिल जाए कि फ्यूचर में आपकी आय और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अपनी आय को ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 मार्च के दिन आपको मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। आप नए रास्ते तलाशें और उन मार्गों पर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पुश करने की कोशिश 1 मार्च को करेंगे, उतनी जल्दी आपके आय के साधन स्रोत व इनकम ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। 2 मार्च के दिन आप अपने धन को परिवार के ऊपर खर्च करेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है जब आप अपने परिवार से अपने धन को छिपाने की भी कोशिश करें और यहाँ पर परिवार की सिक्योरिटी के लिए आप धन को अलग करने का प्रबंध करें। 2 मार्च को आप अपने परिवार में काफ़ी अच्छा समय देंगे। परिवार के लोगों के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया भी बना रहेगा, लेकिन आपके मन के एक कोने में परिवार के प्रति चिंता लगातार चलती रहेगी। 3 मार्च के दिन आप अपने ऊपर से आत्मविश्वास को खोते हुए नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो रहा है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग का वहम है। आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। हर रात के बाद में एक सवेरा जरूर आता है और आपके जीवन में भी यही होगा। आप उन चीज़ों की खोज में नाहक ही जा रहे हैं, नाहक ही अपने आप को उन चीज़ों की खोज में इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं है। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो अचीवमेंट लाइफ में आपने हासिल करी है, उस पर अपने आप को प्राउड फील कराना सीखें और इस प्राउडनेस के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमता को याद करेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंसलेसनेस के इस गर्त से 3 मार्च को बाहर आ पाएंगे। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए 4 दिनों में से 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च बढ़िया है, 3 मार्च अच्छा नहीं है। व्यापार की दृष्टि से भी 3 मार्च अच्छा नहीं है, बाकी 3 दिन अच्छे हैं। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 29 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।